ये पांच स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किए। फिर आगे उनको शमिक ऋषि के यहां गए तो वहां उनको श्राप लगा, ये सब हमने बात कल सुनी। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधुओं, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहां कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितनी हद तक बिगड़ जाती है, हमको सब पता है, दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता हैं, बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म हेरो है, कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए उन्हीं को ही छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा, और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे, सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए तो शिशुपाल यहां पर कालयवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे, द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न होकर ने बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में, प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा, ये संसार, ये पृथ्वी, यहां का नियम है संघर्ष सबको देखना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100-100 वर्ष हो गए, 500-500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए। तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए तपस्या कर करके, अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था वही पूर्ण करने, वो ध्रुव बन के आया और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं वो संघर्ष से ही मिलती हैं, या तो इस जन्म में करना पड़ेगा या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है, उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए, और ये एक वैष्णव का स्वभाव है, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा, पॉजिटिविटी, कुछ भी हो जाए, अरे पाम भी टूट गयो ना तो यहां मैं भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगा, जब आपके साथ घटना घटती है तब आपको लगता है हे राम हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया, पर कुछ महीने बाद कुछ वर्ष बाद लगता है अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता, उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए, मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा, व्यथित मत हो। परीक्षित जी को मरने का जब श्राप लगा और ये बात जब उन्होंने सुनी, व्यथित नहीं हुए, उसमें सोचने लगे और सोचते सोचते अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे को कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। बोले आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। बोले ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। बोले आपको आशीर्वाद कैसे लग रहा है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, दुनिया में व्यक्ति को अगले क्षण का भी नहीं पता होता, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता, पर मेरी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा मैं। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम कल भी जीवित रहेंगे, कल कथा सुनेंगे, कल 56 भोग का प्रसंग है कथा में, कौन कौन आएगा। अच्छा, जिनने हाथ ऊपर नहीं किए नहीं आएंगे, बड़े चतुर है महाराज, ब्रजवासी हैं, इन्हें पता है मैं आगे कहां बोले हुए वारो हूं,
इन्हें ये पता है कि भैया जितने ने हाथ खड़ो किया है इनको भी नहीं पता कि हम कल आ पाएंगे। मृत्यु का कोई, और जरूरी थोड़ी मृत्यु ही हो, कछु भी है सके, कोई भी कारण बन सके ना आवे को। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मैं 7 दिन बाद मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी है। इसका मतलब 7 दिन से पहले तो मुझको तक्षक मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें चलो परीक्षित तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मेरे पास जो जीवन के 7 दिन बचे इनको अब मैं उपयोग करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके चले गए गंगा के तट पर और संतों से जाकर के पूछा कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं इन 7 दिनों का सदुपयोग करके मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं, कृपा करके मुझे बताओ। यह प्रश्न किसने किया? परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और यहां से अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। किमरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितं आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिशुयपर। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक विषय एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आज का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जी परीक्षित यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है, अगर मेरे लिए और हम सब के लिए किया है तो ये प्रश्न ठीक है, लेकिन परीक्षित यदि ये प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले क्यों? श्राप जब मुझे लगा है 7 दिन में मरने का तो मैं अपने लिए ही पूछूंगा ना, मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। यहीं से ही कथा की भूमिका अद्भुत हो जाती है और तभी कृष्ण जन्म में प्रवेश होगा। परीक्षित जी कहते हैं जब मरने का श्राप मुझे लगा है तो मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं, अपने काजे पूछूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम कौन हो, तुम ये जानते नहीं हो अभी, और जानते हो तो शायद, हो सकता है जानते हुए भी मेरे सामने शायद ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। परीक्षित बोले आप कृपा करके सीधा समाधान बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। बोले परीक्षित तुम वो बालक हो जिसको गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर के तुम्हारी मातृ गर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत जी में वर्णन है, अभी तक हम भी कथा में कहते आए कि भगवान ने केवल रक्षा की और रक्षा करके बाहर आ गए, पर नहीं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर के जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ भगवान उत्तरा के गर्भ में ही रहे, भीतर अपना अपने गदा लेकर के अपने चक्र लेकर के भीतर ही खड़े रहे कि कोई आपदा इस पर आ ना जाए। क्यों भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों की मातृ गर्भ में आकर के, स्वयं श्रीमन नारायण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अरे कितने लोग मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, कितने लोगों की अकस्मित मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बालक भी कई बार प्राण त्याग देते हैं,
ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते, पर परीक्षित तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। और तुम आज यहां बैठ करके मुझसे कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताओ। क्या भगवान ने इसीलिए तुमको बचाया था कि तुम एक दिन छत्र सम्राट बन जाओ, एक दिन तुमको श्राप लगे और श्राप लगे तो तुम सब संतों से पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है? केवल मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा नहीं की है। मुक्ति बहुत सरल वस्तु है परीक्षित, मुक्ति बहुत सहज वस्तु है। पूतना को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मुक्ति मिली है, रावण को भी मुक्ति मिली है, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली है, राक्षसों को भी मुक्ति मिली है जो भगवान को 100-100 गालियां रोज देते हैं, ऐसे शिशुपाल को भी मुक्ति मिली है। वही मुक्ति की कामना तुम कर रहे हो, वो बालक कर रहा है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कल पधारे। पिताजी महाराज के गुरुदेव यानी कि मेरे दादा गुरुदेव परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक बात कहते थे। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, 6 महीने की आयु थी तब गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, पर उनके द्वारा कही गई वाणियां मैंने पढ़ी हैं। तो गुरुदेव एक बात कहते थे कि भाई भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। उस गर्भ में भगवान जा रहे हैं जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं भगवान ही शास्त्रों में मना करते हैं कि ऐसा काम करो दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा काम करो कि दोबारा कभी जन्म ना लेना पड़े, मुक्त हो जाओ तुम। जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं वेद ही मना करते हैं उसी गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और एकाद दो मिनट के लिए नहीं पूरे 9 महीना रहे उत्तरा के गर्भ में। क्यों? तो पूज्य श्री रामानुज गुरु जी अपना भाव कहते हैं क्योंकि भगवान को यह बात पता थी कि यह बालक भविष्य में चल करके भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। यह सामान्य बात नहीं है। गुरु जी क्या लिखते हैं आगे? बोले निश्चित ही अपने जीवन में जिसने एक बार भी भागवत की कथा सुनी होगी तो निश्चित है उस श्रोता ने जब अपनी मातृगर्भ में वो विराजमान रहा होगा, ठाकुर जी मातृगर्भ में उसकी रक्षा के लिए आए ही होंगे। क्योंकि हम सब परीक्षित हैं, हम सब कथा सुन रहे हैं, हम सब की भी ठाकुर जी ने गर्भ में निश्चित रक्षा करी होगी, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। एक प्रकार से हम आप सब लोगों को भी मुक्ति की कामना नहीं करनी, हम सब कथा सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम सब भी परीक्षित हैं, हम सब की भी रक्षा ठाकुर जी ने करी है। परीक्षित बोले तो मुक्ति ना मांगूं तो क्या मांगूं? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या मांगूं फिर, आप बताइए। बोले राजन देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन 7 वर्ष 7 महीने की आवश्यकता नहीं है। अरे 7 मिनट भी जरूरी नहीं है, 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। मुक्ति एक क्षण में मिलती है, एक क्षण में। अगर तुम्हारे प्राण निकल रहे हो और उसी समय तुम्हारी अंतिम श्वास बस निकलने वाली हो और अंतिम श्वास जैसे ही निकलने वाली है, प्राण जाने ही वाले हैं, उसी समय यदि कान में आकर के कोई कह दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, महाराज वो अंतिम श्वास में सुना गया भगवान नाम, उसका प्रताप ये होगा कि जीवन में किए गए सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। कितनी सहज है मुक्ति। पर जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत नाही। ये लेकिन संसार की विडंबना है। आप जीवन में कितने भी पाप कर लो, अंतिम क्षण में प्राण त्यागने से पहले अगर भगवान का नाम बोल दिया मुख से, हरि भी यदि बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, गोपाल बोल दिया, तो आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, वैकुंठ मिलेगा। लेकिन ये संसार का नियम है कि व्यक्ति को अंतिम समय सब याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। अब ये तो तभी पता चले जब अंतिम समय आएगा, अभी तो पढ़ी हुई बातें हैं। पर पढ़ी हुई बातें ये कोई सामान्य किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं, शास्त्रों की बातें। अंत में भगवान नाम याद नहीं आएगा, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बिल्कुल परिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर रहा हो
मतलब कोई हादसे में नहीं, कोई बीमारी हारी से नहीं, पूरा जीवन जी करके जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति सोचे कि हाँ भाई अब तो इतने वर्ष के हो गए, अब हम प्राण त्यागेंगे तो भगवान नाम बोलेंगे मुख से, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, कंठे गुरघुरायते, अंतिम समय में उसके गले से आवाज है गुर्र 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 आवाज होती है, भगवान नाम नहीं बोल पाता। आप कहोगे तो फिर क्या करें, अंत में भगवान की याद आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संपूर्ण जीवन भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, जपात से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इतने इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि उस नाम जप का ये प्रभाव हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 चित्त में चल ही रहा है। हमारे वृंदावन में आके देखो, मथुरा में नाम जापक होंगे खूब सारे, मुंह को कम दिखाई दे में, पर हमारे वृंदावन में देखो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आपको नाम जापक मिलेगा ही मिलेगा, हर 5 कदम के बाद में एक नाम जापक वैष्णव आपको मिल जाएगा, नाम जप रहा है। क्यों? वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम नहीं जप रहा है, वो इसलिए जप रहा है कि मैं इतना जप लूं कि मेरे रोम रोम से नाम प्रकट हो, ताकि अंतिम श्वास में चाहे कैसी स्थिति हो जाए कहीं मेरे प्राण निकले पर नाम मेरे मुख से निकल जाए। और वराह पुराण में एक बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है, मुझे बहुत याद करता है, अगर अकस्मात अंतिम समय पर ऐसी स्थिति बन गई कि वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो उसके संपूर्ण जीवन के स्मरण के प्रभाव से मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी आप कथा थोड़ी अब 4-4 कथा महीना में मत करे करो, थोड़ी विश्राम करे करो। मैंने कहा भैया देखो, और विशेष रूप से तो उनको ज्यादा थोड़ी नेक दिक्कत है जाए, जो हमारे संगी रहते हैं, हमारे सारे संगीतज्ञ, हमारे अभी इन सब के तो क्या ब्याह हो गए, हम तो ऐसे ही डोल रहे हैं अभी। अब ये कहें महाराज जी एक कथा के बाद 4 दिला को समय दे दे करो, घर वाले घुसन ना दे फिर। अब हमें मुझे क्या पता, आपको एक्सपीरियंस है आप जानो, पर हम इतनी कथा क्यों कर रहे हैं। अभी वैसे थोड़ा मैं ज्यादा थक गया था, इस कथा के बाद 11 से हमारी मेरठ में कथा थी, हमने अभी 4 दिन पहले ही उसको, मैंने कहा एक सप्ताह का थोड़ा आराम चाहिए क्योंकि फिर लगातार ही है, मैंने एक सप्ताह घर रुकेंगे, तो उनको फिर अगले वर्ष का समय दिया। पर इसके पीछे कारण 2 कारण है, पहला कारण इतने सारे वैष्णवों को कथा सुना करके उनके जीवन को परिवर्तन करने का एक लाभ ठाकुर जी ने प्रदान किया है, और दूसरा कथा के बहाने नित्य 5 घंटा ठाकुर जी को याद तो करते हैं। तो वराह पुराण में ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति रोज मुझे याद करता है उसकी अंतिम घड़ी में मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। तो भैया मैं तो कथा यही मारे कर रहा हूं कि अंतिम समय पतो ना कहां आवे, जब भी आवेगो श्री राधा रमन जी याद कर लेंगे, बस यही के काजे इतनी कथा कर रहे हैं कि ठाकुर जी बस याद कर ली हूं, स्मरण कर ली हूं, आप याद कर ली हूं बस, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणम। तो यहां पर परीक्षित को श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, और सुखदेव जी समझाते हुए कहते हैं, बोले कि परीक्षित तुम एक बात नहीं सोच रहे हो कि ब्राह्मण ने ऐसा ही क्यों कहा कि 7वें दिन तक शक सर्प डसेगा। अरे क्रोध आया था तो क्रोध में व्यक्ति अवधि नहीं देता, क्रोध में व्यक्ति तुरंत लड़ना चाहता है। आपको किसी ने गलत कह दिया, आपको कोई गाली दे गया, मान लो आपको आपके साथ कोई गलत कर गया, आप उसको ये थोड़ी कहोगे रुक जा 6 दिन बाद देखूंगा तो मैं, 6 दिन का क्यों अवधि, 6 दिन का क्यों समय दोगे। क्रोध आता है तो क्रोध में आप तुरंत एक्शन लेते हो, कोई ऐसा थोड़ी कि 6 दिन रुकूंगा फिर लूंगा एक्शन। पर यहां पर देखो ना कि जैसे ही शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला, वो तुरंत अपने हाथ में लेता है और जल लेकर के श्राप देता है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डमसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। 7 दिन क्यों दिए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमको 7 दिन क्यों दिए?
ये विचार नहीं करोगे? क्योंकि मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं, अंतिम श्वास निकल रही हो उस समय भी यदि भगवान नाम में बोल दूं तुम्हारे कान में आके तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन क्यों मिले हैं परीक्षित? ये मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, दूसरा स्कंद पूरा इसी में ही है। सुखदेव जी यही समझा रहे हैं परीक्षित को कि तुम मुक्ति मत मांगो। तब अंत में परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आप ही आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति नहीं भक्ति मांगो, इन 7 दिनों में भक्ति मांगो। परीक्षित जी बोले, 7 दिनों में भक्ति से क्या होगा? बोले, मुक्ति से क्या होता है? बोले, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवत दर्शन। सुखदेव जी बोले, भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवत दर्शन। अब बताओ क्या करना है? तक्षक सर्प डसे और उसके बाद तुम्हारे प्राण निकलें और फिर तुम वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन करो, ये चाहिए कि जीवित अवस्था में इसी तन में बैठे बैठे ऐसे भक्ति भाव में आकर के इन्हीं 7 दिनों में भगवान का साक्षात्कार कर लो, क्या चाहते हो? परीक्षित के नेत्र खुल गए, बोले, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि तक्षक कब आएगा क्या होगा, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है, अब तो केवल मेरी एक ही पीड़ा है कि मेरा अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का दर्शन करा दो। बंधुओं समझ में आई बात? हम आप सब लोगों की यही चाह कि हमें भी जितने दिन जिए उतने दिन खुश रहें और जब मर जाएं तो मुक्ति मिल जाए? नहीं, जितने दिन जिए तो भक्ति भाव में जिए और जब मरने का समय आए तो उससे पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लो, उससे पहले द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष हमारे द्वार पर आ जाएं, हमारे कक्ष में आ जाएं, हमारे घर में आ जाएं, ये स्थिति चाहिए। उसके लिए भागवत की कथा है और ये वरदान ये संकल्प आपका भागवत जी पूरी कर सकती हैं और कोई पूरा नहीं कर पाएगा। चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करो कि हमारी अंतिम श्वास आवे उससे पहले हमको श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल का प्रत्यक्ष दर्शन हो। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, अब तो आप मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, मुझे भागवत धर्म सुनाओ नाथ। और चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन किया कि अब आप आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब से सुखदेव जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो सृष्टि का प्रसंग सुनाया, ये दुनिया कैसे बनाई भगवान ने, क्यों बनाई, क्या हुआ, ये सारे प्रसंग बहुत विस्तार से सुनाए गए। सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिद आए, उद्भिद किसे कहते हैं, जमीन फाड़ के पैदा होने वाले पेड़ पौधे वृक्ष आदि, इन सबको बनाया। इसके बाद में फिर स्वेदज बनाए, जरायुज बनाए, अंडज बनाए, इस प्रकार करते करते 84 लाख में एक कम इतनी योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। लेकिन ब्रह्मा जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई, अरे इस पृथ्वी को संचालित करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक ऐसी वस्तु मुझे बनानी है जो भजन भी करे, कर्म भी करे। तब ब्रह्मा जी ने अंतिम कृति के रूप में मानव को बनाया और जैसे ही मानव बनाया ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के मानव को बुद्धि प्रदान की जो और किसी को नहीं दी, केवल मानव को प्रदान की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बनाया, ये भगवान के प्रथम अवतार। उसके बाद 10 मानस पुत्र हुए, महादेव ललाट से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब सृष्टि का कार्य आगे होना चाहिए, तब उन्होंने अपने देह से स्वयंभू मनु और सतरूपा, सबसे पहले मानव जिनको हम कहेंगे आदि मानव, आदि का मतलब होता प्रथम मानव। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर, आदि मानव कौन थे, बंदर। पर ऐसा नहीं, भागवत जी की साइंस अलग है। भागवत जी कहती हैं सबसे पहले मानव पृथ्वी पर आने वाले थे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी है सतरूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा के अब देखो यहीं से ही चालू होगा, सब
कथाएं इन्हीं के वंश में ही आगे चलते 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 फिर यहीं पर ठाकुर जी आएंगे। ऐसा कहते हैं अगर कोई अपना गोत्र भूल जाए तो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के वो अनुष्ठान कर सकते।